हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स हम कहाँ से सीख सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है बेसिकली आपको बता देते हैं कि फ्री का कोर्स हम कहाँ से सीख सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, हम ग्राफिक डिजाइनिंग को अरेंज नहीं करते, जस्ट लिख देते हैं फ्री कोर्स। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है कोर्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, वो आप जस्ट पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म है दीजिए स्किल, जो 3 मंथ का कोर्स करवा रहा है आपको। ठीक है, जो आपको जो सॉफ्टवेयर बताए हैं उनका बेसिक सिखाएगा, जिनमें इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, इन डिजाइन है, कोरल ड्रॉ है, इनका बेसिक यूज बताएगा आपको कि इनके टूल्स कैसे यूज किए जाएंगे। ठीक है, और लास्ट पे आपको ये सर्टिफिकेट भी दे। ठीक है, 3 मंथ का ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद हमारे यूट्यूब पे है GFX मेंटोर। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करें GFX मेंटोर, हमारे और आपके बेहतरीन उस्ताद हैं। इन्होंने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, ऑडिशन, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर सब के जो है ट्यूटोरियल बना के यूट्यूब पे डाले हुए हैं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि तो मैंने तो स्टार्टअप पे एडिना मल्टीमीडिया वालों से सीखा था, तो बाकी जो है उसके बाद मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। उसके बाद आप सबका और मेरा बेहतरीन उस्ताद यूट्यूब यूट्यूब जिंदाबाद, और दूसरा हमारा है गूगल बाबा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं मिलता, आप जैसे यूट्यूब पे लिखें आपको सब मिलेगा, अनलिमिटेड ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद गूगल पे लिखें, आपको नहीं पता गूगल से जैसे आगे टाइप करेंगे हाउ टू डिजाइन फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कहाँ से सीखें। ठीक है, जैसे इस तरह का टाइप करें आपको अनलिमिटेड वेबसाइट का पता चल जाएगा, आपको ट्यूटोरियल कुछ ना कुछ गूगल बाबा आपको प्रोवाइड लाजमी करेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान में ग्राफिक डिजाइनर की बेसिक या स्टार्टअप सैलरी क्या होती है। ठीक है, पाकिस्तान में बेसिक सैलरी ऑफ ग्राफिक डिजाइन यहाँ पे पाकिस्तान में। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो बेसिक सैलरी होती है बिगनर जो होते हैं या फ्रेशर्स होते हैं, मतलब कि 3 मंथ का आपने कोर्स किया है, 6 मंथ का आपने कोर्स किया, आपके पास जस्ट टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो टूल्स हैं वो आपको चलाने आते हैं, कुछ डिजाइन करना हल्का फुल्का आता है, तो उनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो स्टार्ट होगी आपकी 15,000 से लेके विदाउट नो एक्सपीरियंस, बगैर एक्सपीरियंस की बात करूँ फ्रेशर की, जो आपने कोर्स किया और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं 15,000 से लेके 30,000 के दरमियान। ठीक है, ये है फ्रेशर डिजाइनर। ठीक है, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, नो एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जो होता है आपके एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर जिनके पास 2 साल का ठीक है एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उनकी जो सैलरी होती है वो आपकी 50,000 से स्टार्ट हो रही है, 50,000 से आपकी 1 लाख, 1.5 लाख, ठीक है, अबव जाती है इससे। ठीक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, एज अ ग्राफिक डिजाइनर हम पाकिस्तान में रह के कितनी तरह का काम कर सकते हैं इन ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में। ठीक, पाकिस्तान में कितनी तरह का काम कर सकते हैं,
तो हम दो तरह का काम कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है फ्रीलांसिंग, ठीक है, हम ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है जॉब, ठीक है, हम पाकिस्तान में एज ए ग्राफिक डिजाइनर जॉब भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जॉब करें पाकिस्तान में, ठीक है, 6 मंथ करें, 1 ईयर करें, ताकि आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे डिज़ाइन होता है, 1 स्टाइल क्या होता है, 2 स्टाइल्स क्या होता है, ठीक है, कलर थ्योरीज के बारे में आपको आइडियाज़ हो जाएगा, ब्रांडिंग के बारे में कुछ आइडियाज़ हो जाएगा, फ्लायर्स मेन्यूज के बारे में आइडियाज़ हो जाएगा। तो आप स्टार्टअप पे कोर्स करने के बाद 3 मंथ या 6 मंथ के, उसके बाद किसी कंपनी में अप्लाई करें, ठीक है, तो वो स्टार्टअप पे आपको जो बेसिक सैलरी बताई है उसी हिसाब से आपको डील करेंगे, लेकिन उससे आपको क्या है एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस के बाद आप एज अ फ्रीलांसर अप्लाई कर लें, ठीक है, फ्रीलांसिंग करें पाकिस्तान में रह के, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो का टॉपिक होगा वो भी यही होगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग कैसे होती है, ठीक है, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स कौन कौन सी है, पाकिस्तान में हम फ्रीलांसिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बगैर सब्सक्राइब किए चैनल में वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम में इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, भेज दीजिए, आप कमेंट में जाएँ, आप अपना क्वेश्चन टाइप करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स लाजमी कर दूँ। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।